पंजाबी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम यानी कि मैं बात कर रही हूँ हिमांशी खुराना की। भाई वो इस वक्त काफी सुर्खियों में है, कुछ वक्त से ही सुर्खियों में चलती आ रही हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने डिवाइन एनर्जी, सिंदूर, इंडियन कस्टम्स को लेकर काफी बात कर दी थी, जिसके बाद काफी सारे लोग उनसे नाराज भी हो गए थे, जिस वक्त उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब हाल ही में एक बार फिर से ऐसा हुआ है। दरअसल हिमांशी खुराना ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज और वीडियोस को पोस्ट किया है जिसमें वो पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही हैं, जहां वो गंगा किनारे नजर आ रही हैं। वहीं उन्होंने सूट पहना हुआ है और वहीं माथे पर उन्होंने त्रिशूल बनाया हुआ है। अब उनके माथे पर ये टीका देखते हुए, उनको पूजा पाठ करते हुए लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई कभी तो ये ढोंग करती हैं और कभी ये पहुंच जाती हैं गंगा किनारे। जैसे आप खुद ही इन कमेंट्स की तरफ देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, जो वीडियो हिमांशी खुराना ने पोस्ट किया है उस वीडियो में वो गंगा आरती करती हुई, आशीर्वाद देती हुई, गंगा आरती को इंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं उन्होंने इस फोटो और वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, ट्रस्ट योर डिवाइन एनर्जी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, हर हर गंगे जय श्री कृष्णा। लेकिन वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो लोग वो इंटरव्यू नहीं भूले। एक यूजर ने लिखा, आप तो भी हाल ही में एक हिंदू रिलीजन की इंसल्ट करते हुए दिखे थे, अब क्या हुआ, अब ये सब ढोंग क्यों कर रहे हो आप। तो वहीं एक ने लिखा, ये तो नाटक है, पर इस ढोंग में ना आना भाइयों, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले इनके स्टेटमेंट्स कुछ और थे। एक यूजर ने लिखा, आप सिंदूर नहीं लगा सकते लेकिन हाँ टीका लगा सकते हो, ये कहाँ की बात हुई। एक यूजर ने लिखा, व्हाई दिस ड्रामा, तुम लोग तो सिंदूर नहीं लगाते ना, अब ये टीका लगाकर ढोंग क्यों। एक यूजर ने पंजाबी में कमेंट करते हुए लिखा, अस्सी नहीं लगाते टिक्का शिक्का लेकिन मांग जरूर भर लेते हैं, अब कुछ याद आया दो चुटकी सिंदूर, फूहड़ता में फजीहत हो जाती है। दोस्तों इन कमेंट्स को साफ देखकर पता चलता है कि हिमांशी खुराना को उनके इंटरव्यू में एक मजाक करना काफी भारी पड़ गया। बात करें उस इंटरव्यू की, तो उस इंटरव्यू में उनके साथ गिप्पी ग्रेवल नजर आ रहे थे, जहां उनसे जब ये पूछा गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, पर आपका क्या ख्याल है, तो इस बात पर हिमांशी खुराना काफी तेज हंसते हुए नजर आई थी और उन्होंने बोला था, हमारे यहाँ नहीं लगाते सिंदूर विंदूर, तो ये बातें हमसे ना ही करिए। और अब वो जा पहुंचे हैं गंगा किनारे, जहां वो माथे पर टीका लगाए हुए सूट पहने गंगा आरती करती नजर आ रही हैं, तो इसी वजह से उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बात करें उनके वर्क फ्रंट की, तो भाई काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियो में वो नजर आ चुकी हैं। आसिम रियाज के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आसिम रियाज के साथ उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। वेल दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।